खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां जीएसएन कॉम प्रेस पार्टी की जाने से पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई में दिन ब दिन इजाफा करने के खिलाफ रैली निकाली गई। सिंध के मरकजी रहनुमा दोदेशी की रहनुमाई में प्रेस क्लब से लेकर बॉर्डर टाउन हाल तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहर की सियासी, समाजी और मकतबा फिक्र ताल्लुक रखने वाले तंजीमों के रहनुमा मुनवर अली नोनारी, वकार पठान, अकबर जोगी, नूरुद्दीन सारियो, मुख्तियार मलानो, राजा अब्बासी, हमायूं भट्टी, सारंग सोमर और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर दोदेशी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारे हुक्मरान अपने होशो हवास खो चुके हैं और दिन ब दिन खाने पीने की अशिया में इजाफा करके गरीब आवाम का जीना अजीरन कर दिया है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि अगर महंगाई के इकदाम को खत्म करके गरीब आवाम को रिलीफ ना दिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। अमीर जनूबी पंजाब तरीके लबैक पाकिस्तान पीर मोहसिन फरीद चिश्ती ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अमीर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरीके लबैक पाकिस्तान बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करती है। माजी में महंगाई मार्च करने वाले नए हुक्मरानों ने आज इकतदार मिलने के बाद महंगाई से अवाम का जीना हराम कर दिया है। मौजूदा और साबिक हुक्मरानों का इकतदार में रहने का एक ही मकसद है कि अवाम मुखालिफ पॉलिसियां बनाकर अवाम का खून चूसा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तरीके लबैक पाकिस्तान वाहिद जमात है जिसके पास ईमानदार और अहल क़यादत है और तरीके लबैक के पास ही अवामी मसाइल का हल है। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला में 478 सब इंस्पेक्टर और 180 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। कमांडेंट एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल गुलाम रसूल जायद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। डिप्टी कमांडेंट DIG इशफाक आलम खान और कोर्स कमांडर SP अमरीन अली भी खसूसी तौर पर मौजूद थे। तकरीब का आगाज इलावा कुरान पाक से पास होने वाले पुलिस अफसरान ने शहरों की इज्जत नफ्स के तहफ़ और कानून की पासदारी का हलफ उठाया। तकरीब में पास होने वाले पुलिस अफसरान की फैमिलीज, पुलिस शुदा के वर्सा और मुजाजीन इलाका भी शरीक थे। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल गुलाम रसूल जायद ने परेड का मुआयना किया। उन्होंने दौरान तरबियत आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस ऑफिसर को शील्ड और इनामात से नवाजा। मेहमान खसूसी को पास आउट अफसरान की जानिब से सलामी पेश की गई। AIG गुलाम रसूल जायद का था कि पंजाब पुलिस को तफ्तीश के जदीद तकाजों से हम आहंग किया जा रहा है। थाना में अपनी शिकायत के अदालत के लिए जाना हर मर्द खातून का आईनी है कि आवाम को तफ्तीश और अदल फराम करना अदल की पहली सीढ़ी है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज साला फर्शनाश अफसरान स्टाफ के अलावा आला तरबियती माहौल भी फराम करता है। पास आउट पुलिस अफसरान ने जराइम कंट्रोल की मशकें भी की। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान खाकी से, जहां समीना रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए जबकि 2 अफराद जख्मों की ताबना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर भट्टी। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसमें एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद इस हादसा की नजर हुए, जिनमें मोहम्मद अजान और बुशरा बीबी मौका पर दम तोड़ गई, जबकि मोहम्मद आजम, मोहम्मद अरसलान, युशरा बीबी ये तमाम आपस में बहन भाई हैं। इनके वालद का नाम मोहम्मद खालिद बताया जा रहा है। 5वां जख्मी होने वाला मोहम्मद जवेद, जिसकी उम्र 35 साल है। जख्मी और हलाक होने वालों का ताल्लुक खाकी चौक खोकर फैमिली से बताया जा रहा है, जबकि ट्रैक्टर मालकान ताल्लुक मकबल बरादरी से है। पहले भी मदद कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस के अहलकारान ट्रैक्टर ट्राली मालकान से सिर्फ भत्ता वसूली करते हैं। इन ड्राइवरों के पास लाइसेंस तो दूर की बात, बेशतर ड्राइवरों के शनाख्ती कार्ड तक नहीं बने हुए। कम हुआ ड्राइवर और ओवर स्पीड की वजह से हादसा पेश होते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया अख्तर हमें तफसीलात से आगाह करने का। प्रोजेक्ट ऑफ राणा उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सक्खर से, जहां मारूफ डॉक्टर अतीउर्रहमान अपने खाले के हकीकी से जा मिले। डॉक्टर अतीउर्रहमान इंतहाई नेक सीरत और मिलनेसार इंसान थे। उनकी वफा से शहरी एक मुखलिस और काबिल तौर से महरूम हो गए। डॉक्टर अतीउर्रहमान की जनाजा उनकी रहायशगाह नुसरत कॉलोनी नंबर 4 से उठाया जाएगा और नमाज जनाजा मकामी कब्रस्तान में अदा की जाएगी। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां जिला इंतजाम में नजायज मुनाफाखोरी की रोकथाम और मुकर्रर कीमतों पर अमल दरामा यकीनी बनाने के लिए मजीद सरगर्म हो गई। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1 जून से अब तक जिला भर के मजिस्ट्रेट ने मंसूनी महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ 2623 छापामार कार्रवाइयों के दौरान 93 नजायज मुनाफाखोरों को 2,60,000 से ज्यादा के जुर्माने आयद किए, जबकि 10 मुकदमात दर्ज और 2 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और जखीरांदोजी में मुलविस 2 गोदाम, 1 दुकान भी सील की गई है और 14 दुकानदारों को वार्निंग भी जारी कर दी गई है। फ्लोर मिल्स, राइस मिल्स के गोदाम भी चेक किए गए। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर का कहना था कि किसी को अवाम के इस्तेमाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और जिला में शेयर कुर्दनोश की कीमतों की मॉनिटरिंग और वाफिर दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट ऑफ राणा उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज।